हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राज है और मैं लखनऊ से अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज प्लांट मेरे पास मैंगो का है, जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसमें जो प्रॉब्लम आती है अधिकतर मैंगो प्लांट्स में, वो क्या क्या आती हैं, ख़ास तौर से बरसात के समय में। बरसात के समय में असल में दो तीन चीज़ें रहती हैं कि आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है, नमी बहुत ज़्यादा होने के कारण और बारिश होने के कारण प्लांट बहुत ज़्यादा भीग जाता है, गीला रहता है और ऊपर से भी उसमें पानी अच्छा खासा पड़ता रहता है। तो इससे दो तीन तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे ये देखिए, मेरा टॉमी एडकिंग का प्लांट है और ये मैं पूसा संस्थान से लेके आया था। तो इसमें ये रहता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो डाईबैक की प्रॉब्लम आती है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपकी जो शाखा रहती है या डंडी रहती है वो धीरे धीरे करके पूरी काली पड़ने लगती है और ऊपर से शुरू होती है और नीचे तक पूरी काली पड़ने लगती है। जब आप उसको काटते रहते तो धीरे धीरे करके प्लांट ही नहीं बचता है ना। तो इसको आप किस तरह से बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आज ये बताने वाला हूँ कि आप आम का अगर आपने प्लांट लगा रखा है तो उसमें आप किस तरह से उसकी कैनोपी को तैयार कर सकते हैं, जिसमें ब्लैक डाईबैक की संभावना सबसे कम हो और साथ में आपको ये भी रहे कि आपका प्लांट भी अच्छे से सरवाइव करें। अब देखिए कितना मिट्टी गीली है ना, इसमें देखिए नमी बहुत ज़्यादा है और धूप उस तरह से नहीं निकल पा रही है, तो जिस कारण से लगातार बारिश होने के कारण देखिए मिट्टी कितनी नम हो गई है। और यही सबसे प्रमुख कारण होता है, बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी लगातार गीली रहेगी तो या तो फिर इसकी जड़ों में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा जिससे जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं, और या तो फिर प्लांट आपका ऊपर से डाईबैक की समस्या शुरू हो जाती है जिसमें आपकी शाखाएं ख़राब होती हैं। तो उसके लिए आप सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास, देखिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगीसाइड है एमिस्टर टॉप, और मिली स्टार टॉप ये भी फंगीसाइड है, ये भी काफ़ी अच्छा है। आप इस मतलब बैक डाई से बचने के लिए, डाईबैक से बचने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपकी जो नई शाखाएँ निकल सकती हैं, तो इसके लिए क्या होता है, कैनोपी का नीचे वाला पार्ट आप या तो उसको आप वहाँ से कट करिए, और कटर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बार ये होता है कि जब हम प्लांट को कट करते हैं कि उसमें चार शाखाएं या छह शाखाएं या चार शाखाएं जो भी मतलब आप चाहते हो निकल सकें, तो उसके लिए ये रहता है कि आपको फिर प्लांट नीचे से उसके नोट एरिया से आपको काटना पड़ता है। यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से प्लांट को काटेंगे तो इसमें चार शाखाएं वहाँ से निकल आएंगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ से अगर आपने काटा और चार शाखाएं भी निकल आईं, तो कभी कभी ये रहता है कि गलत ढंग से कटने पे या पूरी तरह से शार्प ब्लेड ना होने से, या कटर मेरा इन्फेक्टेड अगर है और कटर साफ़ नहीं है, तो उसमें क्या रहता है कि अधिकतर आपको इस मौसम में डाईबैक की समस्या इसमें प्लांट में आ जाएगी, यानी ऊपर से इसकी जो डंडी है वो काली होना शुरू होगी और वो फिर नीचे तक आप उसको बचा, बहुत ही रेयर रहता है कि आप उसको बचा पाएँ। या तो फिर आपने जो अभी मैंने दो तरह के आपको फंगीसाइड दिखाए हैं, अगर आप उनको लेते हैं और उनको बढ़िया से आप स्प्रे करते रहेंगे तो वो बच जाएगा। आप यहाँ से अगर उसको काटते हैं, ठीक है, तो उसकी कैनोपी अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको फिर चार डंडियाँ आपकी निकल आएंगी या तीन डंडियाँ निकल आएँ। तीन में से अधिकतर आप कोशिश करा करें कि दो ही दो डंडी रखें। मैंने भी इसी तरह से देखिए इसको तैयार किया हुआ है आपके सामने, और देखिए इसको जिस तरह से मैंने काटा था उसी तरह से इसमें निकल रहा। लेकिन कभी मेरे में भी देखिए डाईबैक की प्रॉब्लम आती रहती है, और मेरे में भी आई थी तो बहुत से प्लांट्स जो मेरे थे वो ख़राब भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब नहीं होते। तो उसी से बचने के लिए मैंने ये सोचा कि ऊपर से अगर किसी, जैसे जब प्लांट निकल रहा होता, देखिए इसको मैंने काटा था तो काटने के कारण देखिए प्लांट कितना छोटा बचा, इसमें डाईबैक की प्रॉब्लम आने लगी थी। तो डाईबैक आने की वजह से देखिए ये पूरी तरह से मतलब प्लांट जो है, और ये पूसा सूर्या है और ये प्लांट मेरा देखिए कितना ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में मैंने यहीं पे एमिस्टर टॉप का इस्तेमाल किया था, फंगीसाइड लगातार मैं उसको देता रहा, और ये जो नोट एरिया निकल रहा है अगर मैं इसको अंगूठे से हटा दूं तो यहाँ से भी चार शाखाएं निकल आएंगी।
ख़ास तौर से ये आपको बरसात के समय में करना है, क्योंकि अगर फरवरी साइड में या जनवरी साइड में आप करेंगे तो उस समय उसमें बौर आ रहा होगा। तो जब भी आप वहाँ से नोट एरिया को हटाएंगे तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो बौर है वो ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से देखिए, इसको जैसे नाखून से हटा रहा हूँ, इस तरह से ऊपर का हिस्सा अगर आप हटा देंगे तो वहीं से नोट एरिया शुरू हो जाएगा और चार शाखाएँ आपकी आसानी के साथ प्लांट में निकल आएंगी। और इससे क्या रहता है कि डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत कम रहती, बहुत मिनिमम रहती है। मतलब आप ये समझिए कि केवल 2% या 3% ही डाईबैक की प्रॉब्लम रहेगी। बस ऊपर का जो आपका नोट एरिया हल्का सा जो दिख रहा हो, जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हो, वहाँ से उसको आप खुरच दीजिए। खुरचने से ये रहता है कि वहाँ पे आपको फिर चार शाखाएँ आराम से निकल आएंगी और प्लांट भी आपका इन्फेक्टेड नहीं होगा। बस आपको अपना हाथ थोड़ा सा साफ रखना पड़ेगा, मिट्टी विट्टी उसमें हाथ में ना लगी हो, साफ़ सुथरा हाथ आप साबुन से धोने के बाद आप इस तरह का उसको कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा नोट एरिया नीचे से कट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और प्लांट खाना भी अपना बढ़िया से बनाता रहेगा, क्योंकि उसकी पत्तियां ऊपर की बची रहेंगी, वो कटेंगी नहीं। तो इससे भी चार शाखाएँ आपको प्राप्त हो जाएंगी और डाईबैक की भी प्रॉब्लम बहुत ही मिनिमम रहेगी, डाईबैक आपको प्लांट में नहीं होगा। तो यही जानकारी मैंने सोचा कि आप तक शेयर कर दूं, ताकि बहुत से लोग हैं और जिनका प्लांट मैंगो का ख़राब हो जाता है, क्योंकि भाई हम लोगों को यही पता है कि अगर हमें प्लांट को जब यहाँ से काटेंगे तो वहाँ से चार शाखाएं देगा। देखिए इसको भी मैंने ऊपर से थोड़ा सा हटा दिया था और उसमें देखिए पत्तियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं। तो इसी तरह से प्लांट को आपको अपना करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप नोट एरिया से ही उसको काटेंगे तो कटर आपको साफ़ रखना पड़ेगा। और देखिए इसको भी काटने के बाद जब मैंने उंगली से हटा देंगे तो ये कुछ दिन बाद इसमें यहाँ से चार शाखाएं आने लगेंगी, ये देखिए। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा और इसको पूरी तरह से, मतलब उसमें फिर कुछ रह ना जाए, बिल्कुल आपको साफ़ कर देना पड़ेगा। फिर वहीं से वो नोट एरिया बना देगा और वहीं से चार डंडियाँ या तीन डंडियाँ आपकी निकलेंगी, जिसमें पत्तियाँ होंगी बढ़िया से, और आपकी कैनोपी भी अच्छे से तैयार हो जाएगी। आपको इस तरह से थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। ख़ास तौर से जब गमले में प्लांट लगा हुआ होता है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा उसको खाने के लिए सामग्री नहीं मिल पाती है और पानी की वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आम में आमतौर पर जो भी बीमारियाँ होती वो फंगस से ही होती हैं। देखिए इसका मैंने नोट एरिया पहले हटा दिया था तो यहाँ से देखिए शाखाएँ निकलना शुरू हो गई। तो इसी तरह से आपको भी करना है। अगर आप उसकी कैनोपी अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने प्लांट्स में इस तरह से थोड़ा करना पड़ेगा। ये देखिए कितना बढ़िया से इसकी कैनोपी बन चुकी है। आते हैं अपने प्लांट पे, टॉमी एटकिंग पे। देखिए अब इसका जो मैंने हटाया था वहाँ से देखिए शाखाएँ जो हैं, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे चार डंडियाँ या पांच डंडियाँ निकलने के लिए रेडी हो रही हैं। तो यहीं से इसकी कैनोपी धीरे धीरे करके बनना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं नीचे से इसको काटता तो ये रहता कि हो सकता है कि इसमें पत्ती कम होने की वजह से या डाईबैक अगर लग गया बरसात में तो फिर बचाना बहुत मुश्किल होता है प्लांट को, फिर वो बचता नहीं है जल्दी। और बस ये रहता है कि बच जाए तो बढ़िया है, वरना फिर नया प्लांट ही आपको लेना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा होती है और ये फंगल के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है बरसात का, और बरसात के समय में ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, या तो आपका प्लांट अगर बहुत छोटा है, आप उसमें बौर वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये फरवरी में भी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्लांट को थोड़ा सा केयर आप रखेंगे, उसकी कैनोपी अच्छे से डेवलप करेंगे, तो आप आने वाले समय में इसकी कैनोपी जब अच्छे से बन जाएगी तो इसमें आपको फ्रूट्स भी अच्छे मिलेंगे और प्लांट भी आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करेगा, और नई नई शाखाएं आने के कारण उसकी जड़ें जो हैं वो और अच्छे से मजबूत होंगी। आम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि इसकी जो जड़ें होती हैं ये अच्छे से वर्क नहीं करती हैं। बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती हैं, फिर सड़ने लगती हैं, फिर उससे प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से अगर आप प्लांट को बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा डंडियों को दूर दूर ही रखिए,
है ना, बहुत ज़्यादा कैनोपी जैसे चार इसमें निकल आती हैं, तो मैं चार नहीं रखता हूँ, फिर दो रखता हूँ। दो को आपको जब चार बढ़िया से डेवलप हो जाए तो आप दो को हटा दीजिए, फिर दो को रखिए। तो इस तरह से क्या रहता है कि आपका जब बौर वगैरह आएगा या उस पर फल लगेगा तो प्लांट उस चीज़ को बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकता है उसको, और फ्रूट भी आपको अच्छा उसमें मिल सकता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ये देखिए मेरा मियाजाकी का प्लांट है, और देखिए अच्छे से इसमें धूप लग रही है, सभी में प्रॉपर तरीके से धूप भी लग सकती है क्योंकि टहनियाँ दूर दूर हैं। तो जो भी आप प्लांट बनाएं या अपने यहाँ लगाएं तो उसमें आप इस तरह से कोशिश करें, तो इस तरह से आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मैं इस तरह से वीडियो आपको लिए लाता रहूँगा।